नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र शुक्ला लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है रिलेटेड टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में। देखिए, हॉस्टल जो है वो किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता, मतलब हॉस्टल जो है वो किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा, आपके और दोस्तों को शेयर करिएगा, और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आपको यहाँ पर सारी ही जो अपडेट्स है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, चाहे वो कट ऑफ की हो चाहे काउंसलिंग की, आपको सारी अपडेट्स टाइम से मिलती रहे और मिलती रहे रेगुलर बेसिस पे। तो उसके लिए बने रहिए इस चैनल पे और बात करते हैं आज कि हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। बात करते हैं सबसे पहले कि हॉस्टल जो है वो किसको मिलेगा, हॉस्टल किसको मिलेगा। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो यूनिवर्सिटी है 2005 के तहत बन गया था एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो बाकी थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल के क्राइटेरिया लगते हैं वो यहां पर भी लगते हैं। सो 2005 में जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया, उसके साथ यहां पर लगे टेरिटोरियल लिमिट, मतलब ऐसे जो भी बच्चे हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टेरिटोरियल लिमिट में आते हैं, यानी कि जो 25 किलोमीटर की जो रेंज में है उसके विदिन है, उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे 25 किलोमीटर के अंदर आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बाउंड्री से, उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। जो सेकंड इम्पोर्टेंट बात है वो है, जो ऐसे बच्चे हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जो कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, जो पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, उनको हॉस्टल नहीं मिलता। ये है सेकंड पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट है वो ऐसे बच्चों के बारे में है जिनको हॉस्टल नहीं मिलता, जो एकेडमिकली फेल हो गए हों, जो एकेडमिकली ड्रॉप कर गए हों। सपोज करिए कोई स्टूडेंट है जिसने जो बीए कर रहा है या फिर किसी यूजी कोर्स में है, बीए बीएससी किसी में भी, वो मान लो फेल हो गया या फिर उसने एग्जाम नहीं दिया और ड्रॉप हो गया, तो उससे हॉस्टल छीना जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में हॉस्टल की जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है ऐसे स्टूडेंट जो अपने एजुकेशन के एकेडमिकली परफॉर्मेंस में एक अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हों, जिनका जो ग्रोथ हो रहा हो वो उनके लिए नहीं है जो डाउनफॉल कर रहे हो, जो फेल हो रहे हो। मतलब आपने कुछ तो मेहनत की, पहले आपने एंट्रेंस निकाला, आपने एडमिशन लिया, आप पता नहीं क्या कर रहे थे, आप पढ़ नहीं रहे थे, आपका डाउनफॉल हो रहा है, तो हॉस्टल आपसे छिन सकता है। और ऐसे केसेस में हॉस्टल आपसे चला जाएगा, पर अगर आप यूजी के बाद पीजी करने लगेंगे तो वहां पर आप हॉस्टल के लिए फिर से अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं। देखिए, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको यूनिवर्सिटी से एग्जेम्प्शन कर दिया गया हो, जिसको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया हो, जिसको सस्पेंड कर दिया गया हो, जिसको रस्टिकेट कर दिया गया हो, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा। और सपोज करिए किसी स्टूडेंट पे ऐसे चार्जेस लगते हैं तो उसको विद इन 7 डेज हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। बट सपोज करिए किसी स्टूडेंट पे कोई पुलिस केस हुआ और उसको यूनिवर्सिटी ने रस्टिकेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ऐसे केसेस में वो हॉस्टल तो छोड़ देगा 7 दिन के अंदर, बट अगर उसका जो वो जो चार्ज है उस पर वो पुलिस स्टेशन में सही पाया जाता है, मतलब वो बेकसूर साबित होता है, तो उसको हॉस्टल वापस से दे दिया जाएगा। सो ये थी ये चार क्राइटेरिया, पांच ये बताते हैं कि यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में हॉस्टल किसको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि हॉस्टल किसको मिलेगा, यानी कि हॉस्टल जो है वो आखिर मिलता किसको है। देखिए, पहली बात तो है मार्क्स। देखिए, आप चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, चाहे बीए चाहे बीएससी या फिर पीजी किसी कोर्स में भी, जो फर्स्ट कट ऑफ होती है आपकी कैटेगरी की, वो आप मान लीजिए कि बेंचमार्क है फॉर हॉस्टल। सपोज करिए अगर जो बच्चे यूजी कोर्सेज में हैं, बीए बीएससी किसी में भी, उनका कट ऑफ जो निकलेगा वो निकलेगा 850 में से, अगर उनके मार्क्स 600 के ऊपर हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं जनरल कैटेगरी में कि उनको हॉस्टल मिल जाएगा। और अगर बात करें ओबीसी की तो ऐसे ही, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर कट ऑफ पहले आ गए जनरल की तो सिर्फ जनरल के बच्चों को हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल में क्या है, सीट्स की रिजर्वेशन है, जो मेरा सेकंड पॉइंट है हॉस्टल मिलने पे, वो है रिजर्वेशन का। देखिए, हॉस्टल में जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रिजर्वेशन है वो यहाँ पर हॉस्टल में भी लगते हैं, यानी कि अगर आप देखिए रिजर्वेशन में तो जनरल कैंडिडेट को जो सीट मिलेगी वो जो बची हुई सीट होगी वो, अगर जो बच्चे ओबीसी हैं ओबीसी के लिए 27% हॉस्टल रिजर्व है, जो बच्चे एससी हैं उनके लिए 50% सीट्स रिजर्व है, और जो बच्चे एसटी हैं शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए 7.5% जो सीट्स है हॉस्टल की टोटल वो रिजर्व है। सो ये हॉस्टल की जो सीट्स है आपको मिलेगी ही, ऐसा नहीं है कि एसटी कट ऑफ लास्ट रहे तो उसको हॉस्टल नहीं मिलेगा। देखिए, सारे जो कैटेगरीज हैं उनकी हॉस्टल और उनके जो कट ऑफ होती है अलग होती है। सो मार्क्स में बात ये है कि अगर आपके जो पहले कट ऑफ है उसमें अगर आप आते हैं, और अगर आप दूसरे तक भी आते हैं, देखिए पहले तो कंफर्म होता है लगभग, सेकंड में भी चांस होता है,
अगर बात करते हैं कोर्स की, देखिए मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पर के जो बच्चे डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, जो कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, जो कोई पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, उनको हॉस्टल नहीं मिलता। हॉस्टल मिलता है उन छात्रों को जो रेगुलर बेसिस पे अपना रेगुलर कोर्स कर रहे हो। सपोज करिए आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो ऐसे कोर्सेज में आपको हॉस्टल मिलेगा। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। देखिए यूनिवर्सिटी फिलहाल में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सालों से हॉस्टल में रह रहे हैं। ऐसा होता है और ऐसा कर भी सकते हैं, रूल्स में ऐसा ही है। रूल्स में क्या है कि अगर आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो आप मैक्सिमम 8 साल तक हॉस्टल में रह सकते हैं, बट क्राइटेरिया जो है कि वो आपका जो प्रोग्रेस, एकेडमिकली प्रोग्रेस है, वो एक अपवर्ड ट्रेंड शो करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि आप बीए ही करते करते 8 साल रहेंगे, नहीं, आप आगे यूजी कर लेंगे, फिर पीजी करेंगे, फिर आप जाएंगे फिलोसफी के लिए, डॉक्टर फिलोसफी के लिए। सो ऐसे केसेस में आपका जो टाइम पीरियड है, अगर आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो हॉस्टल का जो टाइम पीरियड है वो 8 साल होगा, और आप पीजी में एडमिशन लेते हैं तो आपका 5 साल होगा। इतने सालों के लिए आप मैक्सिमम हॉस्टल में रह सकते हैं अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अगर और भी दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए इस चैनल पे, आपको यहाँ पर ऐसे ही और तमाम अपडेट्स मिलती रहेगी अबाउट यूनिवर्सिटी फिलहाल। मैं हॉस्टल रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा। सो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा नई वीडियोस का। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। जस्ट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आई कैन हेल्प यू। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।